लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ॐ गं गणपतये नमः। पहले अशुभ मलिका की प्रेमी इस अभागी कृष्ण को समाप्त कर दो, फिर उस मलिका को समाप्त करने में आसानी रहेगी। तो अब होगा मेरे बच्चे, ना मेरे बेटे। हे श्री गणेश, क्या हो गया? अरे वो दुष्लोक मेरे बेटे की ऐसी दुर्दशा कर गए और आप देखते रह गए। ना, दया कीजिए प्रभु, किसन को ठीक कर दीजिए।
दीजिए प्रभु। यदि किसी ठीक ना हुआ तो ये संसार आपकी भक्ति पर विश्वास नहीं करेगा प्रभु। दया कीजिए प्रभु, किसी को ठीक कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु, मंगल मूर्ति उन पे दया कीजिए। ओम गंगणपतये नमः। 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 तुम्हारी सौगंध पर विश्वास कर लेना अनुचित था। हमारे सावधान करने पर भी तुम नींद से अचेत होकर अपना कर्तव्य भूल बैठे। अब हमारे सेवक बने रहने का अधिकार तुमने खो दिया है। हमने तुम्हें मल्लिका, सुहागी और किशन की सहायता का आदेश दिया था, परंतु तुमने उसका पालन नहीं किया। अब कभी हमें अपना मुंह न दिखाना। मेरी भूल को क्षमा करें क्षमा निधान श्री गणेश। मैं अभी उन तीनों की सहायता के लिए पहुंचता हूं। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। श्री गणेश, आपके होते हुए मेरे बेटे की इतनी दुर्दशा कैसे हो गई? कैसे चल पाएगा मेरा बेटा? कैसे जिएगा मेरा बेटा? कैसे जिएगा? जाना तो हो गया भाई, अब रहने से कुछ नहीं होगा। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, श्री गणेश। अपनी इच्छा मात्र से असंभव को संभव कर देते हैं प्रभु। किशन पर दया कीजिए प्रभु, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हमारे एक कारण सेनापति ने इन्हें विकलांग कर डाला प्रभु। इन्हें फिर पहले जैसा बना दीजिए प्रभु। हमारी भक्ति की लाज रख लीजिए। हमारी भक्ति की लाज रख लीजिए। मंगल मूर्ति का रोष उचित है, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने अचेत होकर भयानक भूल की है। यदि मैं इसकी सहायता के लिए उपस्थित होता तो किशन कभी विकलांग ना होता। मैं क्या करूं? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आपकी लीला को समझ नहीं पा रहे हैं मंगल मूर्ति। आप तो प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु, तो क्या आप हमारी सच्ची प्रार्थना सुनकर भी आप सुनना नहीं चाहते? किशन पर दया कीजिए प्रभु। किशन पर दया कीजिए मंगल मूर्ति। ये मेरी भूल नहीं, भयानक पाप है। यदि आपको दंड ही देना है श्री गणेश, तो मुझे दंड दीजिए। मेरे पैरों को काट दे, परंतु इस युवक को स्वस्थ कर दे। राजकुमारी मल्लिका की प्रार्थना सुन ले श्री गणेश, ये आपकी सच्ची भक्ति है। दया करे दया निधान, कृपा करे कृपा निधान। श्री गणेश, ये मेरे किन पापों का दंड दे रहे हैं आप मुझे? ये मेरे पाप है, इनका प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। मैं अपनी वर्धनी शक्ति से किशन के कटे हुए पाँव को जोड़ दूंगा। जय जय श्री महागणेश। किस बात की दुहाई दे रहे हैं आप दोनों? महाराज, राजकुमारी मल्लिका ने। राजकुमारी मत कहो उस अशुभ कन्या को।
वो राजकुमारी नहीं, हमारी घोर शत्रु है। आप सच कह रहे हैं महाराज, सुहागी की कुटिया पर पहुंचकर हमने मल्लिका को बंदी बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके सैनिकों ने हम पर पीछे से वार किया महाराज और हमें मार डालने का प्रयास किया। महाराज, ये जानकर आप प्रसन्न होंगे कि मल्लिका को बहकाने वाला किशन को हमने मौत के घाट उतार दिया। मल्लिका क्या अभी भी सुहागी की कुटिया में है? नहीं महाराज, वो हमले की आड़ में वो हमारी दृष्टि से भागने में सफल रही। परंतु आप चिंता ना करें महाराज, वो अशुभ मल्लिका सुहागी की कुटिया में अवश्य लौट कर आएगी और हम उसे बंदी बना लेंगे। महाराज, महामंत्री जी का अनुमान सच था, वो वहां रहकर प्रजा को आपके विरुद्ध भड़का रही है। हाँ हाँ महाराज, उसी के कारण प्रजाजन ये मानने लगे हैं कि आप मल्लिका के विरुद्ध अन्याय कर रहे हैं। तब तो उसे बंदी बनाकर दंडित करना और भी आवश्यक हो गया है। क्षमा करें महाराज, परंतु बंदी बनाकर दंडित करने से समस्या का हल नहीं होगा। प्रजा आपके विरुद्ध है, प्रजा को संतुष्ट करने के लिए हमें कोई और उपाय सोचना होगा महाराज। उपाय? कैसा उपाय? भीतर आइए। किस उपाय की बात कर रहे थे आप? महाराज, प्रजा के आक्रोश को देखते हुए हमें कूटनीति से काम लेना होगा। अर्थात? अर्थात प्रजा को संतुष्ट करने के लिए आप मल्लिका का विवाह किसी योग्य राज पुरुष से करवा दीजिए। उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा महाराज, बहुत कुछ। पुत्री के प्रति पितृ स्नेह देखकर प्रजा संतुष्ट हो जाएगी और मल्लिका सदा सदा के लिए आपसे दूर भी हो जाएगी महाराज। हम आपकी बात से सहमत है महामंत्री रुद्रदत्त, मल्लिका जन्म से ही हमारे दुखों का कारण बनी हुई है। पिता का कर्तव्य निभाने के लिए हमें उसका विवाह करना ही होगा, परंतु ऐसा कौन सा राजपुरुष होगा जो इस अभागन कन्या से विवाह करेगा? उसकी चिंता आप ना करें महाराज, एक श्रेष्ठ राजकुल का राजकुमार हमारी दृष्टि में है, वो भी पुरुष मल्लिका के लिए सर्वथा योग्य है। यदि आप आज्ञा दें तो हम उसे विवाह का प्रस्ताव भेज सकते हैं। कौन है वो श्रेष्ठ कुल का श्रेष्ठ राजकुमार? महाराज, आप मल्लिका के विवाह का निश्चय कर ले तो हम उन्हें बुलाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे महाराज। महामंत्री, ये काम जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा। हमने निश्चय कर लिया है कि मल्लिका को अपने से दूर करने के लिए हम उसका विवाह अवश्य करेंगे, परंतु उससे पहले उसका पता लगाकर उसे अपने अधीन करना चाहेंगे। हम उसका पता लगाकर रहेंगे महाराज, उसके दुष्ट सैनिकों ने पीठ पीछे वार करके वीरता को कलंकित किया है, उन्हें दंडित करने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। महाराज, इस समय अपने दलबल के साथ आप सुहागी के गांव की ओर प्रस्थान करें, मल्लिका आपको अवश्य वही मिलेगी। क्या कहा? मेरी प्रिय पुत्री सुहागी के गांव में? महाराज, मैं भी उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ, मुझे भी अपने साथ वहाँ ले चलिए। नहीं महारानी, आप हमारे साथ वहाँ। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, इस समय महारानी जी को अपने साथ ले जाना उचित होगा महाराज। कूटनीति ये कहती है कि जो काम कभी कभी अस्त्र शस्त्र शक्ति और क्रोध से नहीं बन पाते, वो कभी कभी ममता प्रेम से बन जाते हैं महाराज। इसीलिए महाराज, आप महारानी जी को अवश्य ले जाए। महारानी, हम इसी समय सुहागी के गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। Ha 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 ha!